हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्षेत्रफल में आयत के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमिति, लंबाई, चौड़ाई, विकर्ण, इन सभी चीजों को बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इसे कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, आप हमारे साथ बन रहिए। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम आयत का चित्र यानी कि इसका डायग्राम खींचते हैं। देखिए, ये आपका आयत हो गया, ठीक है। इसका नाम ए बी सी डी, ठीक है। यह है हमारा आयत। क्या है? आयत। और आयत में लंबाई को एल से, चौड़ाई को बी से किया जाता है, ठीक है। जो ज्यादा दूरी हो उसे लंबाई और जो कम दूरी हो उसे चौड़ाई कहते हैं। आयत में आमने सामने की भुजा समान होती है, यानी कि बराबर होती है, ठीक है। तो आयत में दो लंबाई और दो चौड़ाई होंगे, यानी कि ये सामने वाला जो बड़ी भुजा है उसे हम लंबाई कहेंगे, जो छोटी भुजा है उसे चौड़ाई कहेंगे, ठीक है। तो लंबाई को किस अक्षर से सूचित करते हैं? तो लंबाई को एल से सूचित करते हैं। चौड़ाई को किस अक्षर से सूचित करते हैं? तो चौड़ाई को बी से सूचित करते हैं। और विकर्ण, विकर्ण को किस से सूचित करते हैं? डी से सूचित करते हैं। ये विकर्ण क्या होता है? देखिए, इस ए को सी से मिलाने पर, ए और सी को मिला दीजिएगा तो ये ए सी आपका विकर्ण होगा। फिर ए बी को डी से मिला दीजिएगा, यानी बी को डी से, तो ये आपका विकर्ण कहलाएगा। यानी कि आयत में दो विकर्ण होते हैं, क्लियर। भुजाएं चार, जिसमें से दो लंबाई दो चौड़ाई, क्लियर। अब बात आती है कि परिमिति कहेगा निकालने के लिए। अब ये परिमिति क्या होता है? पहला आपसे पूछा कि परिमिति क्या होगा, तो परिमिति मतलब आपको समझना है घेरा। क्या समझना है? घेरा। तो परिमिति निकालने के लिए आपका जो सूत्र होगा वो होगा 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई। इसे संकेत भी अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं P = 2 × L + B, क्योंकि परिमिति को पैरिमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसे आप संकेत में इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ये आपके परिमिति हो गए, ठीक है। अगर आपसे इसी में कहे फिर दूसरा कि क्षेत्रफल, क्या ज्ञात करने के लिए कहे? क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? आयत का क्षेत्रफल। तो परिमिति मतलब आप समझ गए घेरा। घेरा का मतलब ये होता है कि चारों भुजाओं का योगफल। तो यहाँ पे दो बार हमारा लंबाई है, दो बार चौड़ाई है, इसलिए लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके दो से गुणा कर दिया गया। इससे ये आपका घेरा यानी कि परिमिति निकल जाएगा इस सूत्र को लगाने से। कैसे निकलेगा इस पर मैं सवाल भी बताऊंगा, इससे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं क्षेत्रफल का सूत्र पहले लिखता हूँ। देखिए, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? देखिए, यहाँ पे मैं बनाता हूँ पहले एक आयत, जिससे आपको क्षेत्रफल होता क्या है ये समझ में आ जाए, ठीक है। ये ए बी सी, क्षेत्रफल का मतलब ये होता है, ये आयत का चित्र है। अगर इसमें मान लीजिए कि हम पेंट कर दिए पूरा इस एरिया को, पूरा भर दिया पेंट से, पेंट कर दिए हमने इतने क्षेत्र को, मैंने पेंट कर दिया ये पूरा क्षेत्र किसी कलर से या कुछ भी, तो ये हमारा क्या हो गया? ये पूरा इतना क्षेत्र कहलाएगा, इसी को क्षेत्रफल बोलते हैं। क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लंबाई में चौड़ाई से गुणा कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा, क्लियर। क्षेत्रफल को हम लोग ए से सूचित करते हैं, लंबाई को एल से, चौड़ाई को बी से, यानी A = L × B, ठीक है। ये हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। तीसरा आपसे इसमें पूछ सकता है कि विकर्ण, विकर्ण बराबर हमारा क्या होगा? तो देखिए, विकर्ण बराबर, तो इससे के लिए हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि यहाँ पे देखिए, विकर्ण बराबर आपका हो जाएगा √ लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से ये आपका विकर्ण हो जाएगा, क्लियर। ये विकर्ण बराबर है आपका। अगर आपसे कहे कि विकर्ण स्क्वायर, हालांकि विकर्ण स्क्वायर नहीं पूछता है, विकर्ण ही पूछता है, तो विकर्ण ही आप याद रखिए। तो विकर्ण को हम लोग डी से सूचित करते हैं, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? √L² + B² ये आपके हैं डायगोनल, विकर्ण का सूत्र, विकर्ण निकालने का सूत्र, ठीक है। ये तीन चीज हो गए। अब चौथा अगर बात करें, यहाँ पे चौथा, यदि परिमिति ज्ञात हो तो, परिमिति ज्ञात हो
लंबाई बराबर, जब परिमिति ज्ञात हो तो लंबाई हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। जब परिमिति ज्ञात हो तो लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा परिमिति, परिमिति बटा टू माइनस चौड़ाई, ठीक है। यानी परिमिति का आधा में से चौड़ाई घटा देंगे तो हमारा लंबाई निकल के आ जाएगा, ठीक है। दूसरा चौड़ाई, जब परिमिति हमें ज्ञात हो तो चौड़ाई निकालना हो तो परिमिति बाई टू घटाओ लंबाई, ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं, क्लियर। यानी कि परिमिति ज्ञात हो और साथ साथ चौड़ाई भी ज्ञात होना चाहिए तो लंबाई हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। पांचवा हमारा ये याद रखना है कि यदि क्षेत्रफल ज्ञात हो तो, ज्ञात हो तो नंबर एक लंबाई बराबर कैसे निकालेंगे, लंबाई हम कैसे ज्ञात करें। जब हमें क्षेत्रफल ज्ञात हो तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, ठीक है। दूसरा चौड़ाई बराबर, ठीक है, चौड़ाई बराबर हो जाएगा आपका क्षेत्रफल बटा लंबाई, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आइए फिर से इसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे पहला क्या है, परिमिति, परिमिति मतलब क्या समझना है, घेरा, घेरा निकालना हो, परिमिति ज्ञात करना हो तो इसके लिए सूत्र क्या लगाना है, टू इंटू लंबाई जो चौड़ाई, यानी कि टू इंटू एल प्लस बी। क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई गुणा चौड़ाई, बी का निकालना हो तो रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। अगर परिमिति हमें ज्ञात हो तो लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर परिमिति बटा टू माइनस चौड़ाई, चौड़ाई निकालने के लिए परिमिति बटा टू माइनस लंबाई, ठीक है। यदि हमें क्षेत्रफल ज्ञात हो, क्षेत्रफल किसका, आयत की चर्चा कर रहे हैं तो आयत का ही समझना है, ठीक है, किसी और का नहीं। तो यदि क्षेत्रफल ज्ञात हो तो लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे चौड़ाई और चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई, ठीक है। अब मैं इस पे कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, है ना, जिससे परिमिति, क्षेत्रफल, विकर्ण, है ना, ये सब चीज मैं बताता हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर एक ये है कि आयत की लंबाई 10 मीटर, ठीक है, चौड़ाई 5 मीटर, ठीक है, मीटर को एब्सोल्यूट किया जाता है। तो आपसे निकालने के लिए कहा परिमिति, क्या निकालने के लिए, परिमिति और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और साथ ही विकर्ण, विकर्ण इतना निकालने के लिए कहा। तो परिमिति निकालना, तो परिमिति बराबर हमने आपको क्या बताया, परिमिति निकालना हो आयत की परिमिति तो क्या करना है, परिमिति बराबर टू इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही ना मैंने बताया है अभी अभी, है ना, टू इंटू लंबाई जो चौड़ाई, तो यहाँ पे टू रखना है और लंबाई कितना है 10, तो यहाँ पे 10 रख देना है, चौड़ाई कितना है 5, तो यहाँ 5 रख देना है। इस तरीका से अब क्या करना है, टू इंटू पहले ब्रैकेट के अंदर का काम होता है बोर्ड मास के नियम के अनुसार, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 और 15 दुना 30, ठीक है। और जब परिमिति की बात हो तो जो मात्रक दिया हो तो मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर हो सेंटीमीटर, किलोमीटर हो किलोमीटर, मतलब जिस मात्रक में हो वही मात्रक लिखेंगे। तो मीटर है तो मीटर दिया है, तो मैं भी मीटर लिख देता हूँ, ठीक है, यानी कि 30 मीटर आ जाएगा। मतलब जिस आयत की लंबाई 10 और चौड़ाई 5 मीटर है उसकी घेरा यानी कि परिमिति 30 मीटर हो जाएगा। पहला हमारा परिमिति ही कहा था, दूसरा हमारा क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र हमने आपको बताया कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो आपका लंबाई दिया हुआ है 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर, तो 10 पर से कितना हो जाएगा 50, और यहाँ पे आपको
मीटर स्क्वायर लिखने हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ग मीटर। ठीक है, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो जब भी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो उसका मात्रक क्या लिखेंगे, जो भी मात्रक दिया हुआ हो उसको स्क्वायर लगाकर या फिर शब्द में लिखेंगे। तो अगर मीटर है तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो वर्ग सेंटीमीटर, किलोमीटर दिया हुआ है तो वर्ग किलोमीटर, इस तरह से शब्द में अगर लिखेंगे, नहीं तो संकेत में लिखेंगे तो उसको स्क्वायर लगा करके लिख देना है। यानी मीटर है तो एम स्क्वायर, यानी 50 मीटर स्क्वायर। क्लियर, तो इसका क्षेत्रफल आप निकालना सीख गए। अब आता है विकर्ण। विकर्ण हमने आपको क्या बताया, विकर्ण पूछ रहा है, तो विकर्ण के लिए सूत्र हमने बताया रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे रूट अंडर लंबाई, लंबाई कितना है 10, 10 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर, तो ये करेंगे तो कितना आएगा आपका 10 का स्क्वायर 100 यानी कि 100, 5 का स्क्वायर 25 यानी 25, अब इस दोनों को जोड़ दीजिए 125 आएगा। ठीक है, रूट के अंडर। अब इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं होगा तो कितना होगा, क्या होता है देखिए 25 गुणा 5 125 होता है, तो यानी इसका तो वर्गमूल पूरा हो रहा है, इसका नहीं हो रहा, यानी कि इसका जो रूट निकल के आएगा वो 5√5 इतना मीटर। ठीक है, देखिए तो यहाँ भी हमें मात्रक में मीटर ही लिखना है, यानी कि क्षेत्रफल में वर्ग मीटर यानी कि स्क्वायर लगाना है, बाकी जो भी पूछे परिमिति हो, विकर्ण हो, भुजा हो, कुछ भी हो, उन सभी में हम क्या करेंगे मीटर ही देंगे, यानी कि मात्रक में जो दिया हुआ या मीटर दिया हुआ इसलिए हम मीटर देंगे, सेंटीमीटर दिया हुआ रहेगा सेंटीमीटर देंगे। तो परिमिति किस तरह से हमने निकाला, क्षेत्रफल कैसे निकाला, विकर्ण कैसे निकाला, फॉर्मूला कैसे यूज करना है, प्रयोग करना है, ये आप सीख गए। अब थोड़ा सा इसे अलग क्वेश्चन को पूरी तरह से मैं लिखता हूँ, कुछ अलग तरह से जैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। देखिए एक और एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए, तो देखिए प्रश्न में हमें पता क्या है ये सबसे पहले आपको लिख लेना है। पता हमें क्षेत्रफल है, यानी कि क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, कितना है क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर, और क्या पता है चौड़ाई पता है, कितना पता है 8 मीटर दिया हुआ है। हमें निकालने के लिए क्या कहा गया है, तो लंबाई निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, एकदम आसान है। ठीक है, तो लंबाई बराबर हमने आपको सूत्र लिखाया था, क्या जब क्षेत्रफल ज्ञात हो तो लंबाई बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, ऐसा मैंने सूत्र आपको लिखाया था। तो देखिए ना, क्षेत्रफल आपको कितना है 120 और चौड़ाई कितना दिया हुआ 8, सिंपल 8 से क्या करना है 120 में भाग दे देना है, तो 8 से 120 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 15 बार, 15 × 8 = 120, ये 15 मीटर आपका लंबाई हो जाएगा। क्लियर, तो उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जो आपको बताया वो आसानी से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बगल के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।